Hey guys, assalamualaikum. Welcome to my first vlog. I hope you guys are safe. Hey guys, assalamualaikum. Welcome to my first vlog. I know guys, आप मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन इंशाल्लाह धीरे-धीरे आप मुझे अच्छी तरह से जान जाओगे. आज हमारा पहला व्लॉग है और हम सोचे कि पहले व्लॉग में कुछ कंटेंट है. आज मैं थोड़ा नर्वस भी हूं और थोड़ा एक्साइटेड में भी. एक्साइटेड में. Hey guys, assalamualaikum. Welcome to my first vlog. आज का हमारा पहला व्लॉग है और आप तो जान सकते हो कि पहले व्लॉग में नर्वसनेस बहुत रहती है और एक्साइटेड में भी बहुत रहती है. तो गाइज आज हम सोचे कि पहले व्लॉग में ही हम कंटेंट दे दें. तो आज हम लोग जाएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज. तो गाइज देखते रहना लास्ट तक कि हम क्या क्या करते हैं. आज पहला व्लॉग है, आपके सपोर्ट के बिना तो कुछ नहीं होने वाला है. अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ही कुछ होएगा, वरना तो कुछ नहीं होएगा. तो गाइज बने रहना लास्ट तक, देखते क्या क्या होएगा. अभी बज रहे हैं सुबह के 8:40, तो अभी से हो रही है हमारी दिन की शुरुआत. सेल्फी पॉइंट. और गाइस मैंने आपको एक चीज़ तो बताया नहीं कि जिस बात का टाइटल है आज हम क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं. तो आज हम एक्सप्लोर करके मुंबई स्टॉप आइकॉनिक प्लेस. कि अगर आप बाहर से भी कहीं से भी टूरिस्ट करने आओ इधर मुंबई में, तो ये सब मेन प्लेसेस आप जरूर घूमना. जैसे कि एक है छत्रपति शिवाजी महाराज, और फिर गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव, ये सब आइकॉनिक प्लेस है. सेल्फी पॉइंट, यहाँ से लोग सब सेल्फी खींचते हैं, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज की, मतलब जो है यहाँ से सब सेल्फी खींचते हैं और यहाँ से पूरे रोड की सब वीडियो बनाते हैं. तो आपको मैं सीधे यही बोलूँगा कि आप अगर बाहर से कहीं से भी आए तो मुंबई में ये 3-4 जगह जरूर घूमना. एक जो कि ये है, ये तो आप देखे हुए स्टेशन के सामने आके, गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, मरीन ड्राइव, ये सब आप जरूर देखना. हाजी अली ऑल्सो आइकॉनिक प्लेस मुंबई की, तो ये सब आप जरूर देखना अगर मुंबई में आओगे. यही मकसद है मेरा व्लॉग बनाने का कि मुंबई स्टॉप आइकॉनिक प्लेस ये आप घूमो यहाँ पे आके. हम आ चुके हैं हमारे सेकंड डेस्टिनेशन पे, जो कि है गेटवे ऑफ इंडिया. साथ ही साथ बाजू में ताज होटल भी है. गेटवे ऑफ इंडिया तो अभी सामने ही है, ताज होटल आप बाद में देखना, पहले आप देखो गेटवे ऑफ इंडिया. गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत लोग बोलते हैं कि हबीबी कम टू दुबई, हबीबी कम टू गोवा, और भी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं. मैं आपको बोलूँगा कि हबीबी कम टू मुंबई, क्योंकि मुंबई की चीज़ें कम नहीं है गाइज. बाहर से भी अच्छी अच्छी जगह यहाँ है और बहुत खूबसूरत खूबसूरत प्लेस है इधर. जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ताज होटल, ये वही ताज होटल है जिसमें 26 नवंबर 2008 में अटैक हुआ था. और ये ताज होटल लग्जरी होटल है, इसके बारे में मेरे को यही बताना था आपको. और अभी चलते हैं हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे. ऑलराइट गाइस, तो गाइस अब हम आ चुके हैं हमारी थर्ड डेस्टिनेशन पे, जो कि है मरीन ड्राइव, नरीमल पॉइंट, वही दोनों एक ही बोलते हैं. तो यहाँ पे इतना कुछ है नहीं ज़्यादा, मतलब कि बस इधर सिर्फ लोग जो आते हैं ना यहाँ पे सिर्फ पीस के लिए आते हैं, बैठते हैं थोड़ा, घूमते और चले जाते हैं. यहाँ इतना कुछ दिखाने लायक है नहीं, बस यही है आपको दिखा देता हूँ मैं, जो है समुंदर है. यही पे हमको ब्लॉग एंड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी खुलेगा तो नहीं पता नहीं आज खुलेगा कि नहीं खुलेगा.